हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तुम चलने का हौसला तो करो, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। तो इसी जोश के साथ हम करंट अफेयर्स की क्लास आज 20 जून 2023 और 20 जून 2023 की जितने भी एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने लेके आए हैं। और अब होगा करंट अफेयर्स का धुआं धुआं और वन नाइन फॉर्मेट के साथ साथ स्टैटिक जीके के साथ साथ हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स डेली अपडेट के ऊपर आपको इन क्वेश्चनों की क्यूज भी मिलती हैं और साथ साथ PDF भी मिलती हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और चैनल पे अभी तक नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो के अंत में हम आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में देते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर दीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और आप यदि कुछ मोटिवेशन हमारे लिए कमेंट बॉक्स के अंदर करोगे तो मैं हम सुबह आपको उस मोटिवेशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आज के चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि सिप्री की जो वार्षिक रिपोर्ट 2023 है उसके अंदर भारत के परमाणु हथियारों की संख्या में कितनी वृद्धि होने का दावा किया गया है। तो देखिए साथियों, सिप्री की जो रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट 2023 की है वो मैंने कल भी लेके आया था, लेकिन कल इसका क्वेश्चन अलग था और आज इसका क्वेश्चन अलग है। आज पूछा है भारत के परमाणु हथियारों के संख्या के अंदर वृद्धि कितनी हुई है, और कल पूछा था मैंने सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अंदर विश्व के अंदर सर्वाधिक हथियारों वाला देश कौन सा है, हथियार परमाणु हथियार वाला देश कौन सा है। और आज पूछा है भारत के पास परमाणु हथियार की संख्या के अंदर 2023 के अंदर कितनी वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 164, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 164, भारत के पास परमाणु हथियार हैं, ठीक है ना। अब सिप्री की जो वार्षिक रिपोर्ट 2023 की है वो देख लेते हैं हम कि हाल ही में वैश्विक संस्था स्टॉकहोम जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, देखिए इसका ही शॉर्ट फॉर्म है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, ये हो गई सिप्री। और जो सिप्री की रिपोर्ट है उसके अंदर अनुसार जो भारत के पास 164 हथियार हैं वो इसके अंदर सर्वाधिक हथियार वाले परमाणु हथियार वाला कौन है, वो है रूस, ठीक है ना। तथा रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने से भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभरा है। तो 2023 के अंदर यदि बात करें सबसे ज़्यादा हथियार आयातक तो वो हो गया है भारत, ठीक है ना। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में भारत के हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात में 24% तक वृद्धि देखने को मिली है। तो चलते हैं अब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके बारे में। तो देखिए इस संस्था के हथियारों के बारे में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े जारी करती है। ये संस्था क्या करती है कि किस देश के पास कितने हथियार है और उसके अनुसार उसके आंकड़े इंटरनेशनल लेवल पे उसके आंकड़े जारी करती हैं और दुनिया भर में विश्वसनीय भी माने जाते हैं। सिप्री का मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ पे है, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर है। आप सभी को पता है स्टॉकहोम स्वीडन से, और ये कौन से वो नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार की भी वहीं से दिए जाते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन से दिए जाते हैं, ठीक है ना। भारत में परमाणु हथियार की बात करें तो 2023 के अंदर 164, 2022 के अंदर 160 और 2021 के अंदर 156, ठीक है ना। तो लगातार वृद्धि हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है, देखो 2021 के अंदर 156 थे, 2022 के अंदर 160 हो गए और 2023 के अंदर 164 हो गए। अब इंडिया की क्या पॉलिसी है इन परमाणु हथियारों को लेके, तो देखिए इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर जो सिप्री की रिपोर्ट 2023 हुई जारी की गई है और इसके अंदर भारत ने परमाणु हथियार तैनात नहीं किया है। इसका मतलब है ये है कि परमाणु हथियार की संख्या तो बड़ी है लेकिन उन्हें तैनात नहीं किया गया है। भारत की क्या पॉलिसी है, भारत की है टी यूज पॉलिसी है, ठीक है ना, टी यूज पॉलिसी है। इसके अंदर क्या है कि परमाणु हथियार को लेकर भारत की नो फर्स्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब कोई भी देश यदि भारत के ऊपर परमाणु हथियार से हमला करेगा तो वापस उसको भारत डट के जवाब देगा। भारत पहले कभी भी परमाणु हथियार
नहीं चलाएगा, परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य या यूटी की बात करें उसके अंदर पंचायत की रैंकिंग जारी की है। तो किस राज्य के अंदर यह कह सकते हैं यूटी के अंदर पंचायत रैंकिंग जारी की है, तो वो की है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पर की गई है? हाल ही में नवनिर्मित जो यूटी है जम्मू कश्मीर उसके अंदर पंचायत रैंकिंग जारी की गई है। और इस पंचायत रैंकिंग के अंदर देखिए वहाँ के जम्मू कश्मीर के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा है। और यदि बात करें पहला कार्बन न्यूट्रन गांव, यदि भारत के अंदर पहला कार्बन न्यूट्रन गांव की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का ही पल्ली गांव है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव है। यदि बात करें कि विश्व का जो भारत का पहला इग्लू कैप है कहाँ पे है, तो वो हो गया गुलमर्ग के अंदर। कहाँ पे हो गया? गुलमर्ग के अंदर। और गुलमर्ग से याद आता है कि जो खेलो इंडिया विंटर्स गेम होते हैं, खेलो इंडिया विंटर्स गेम होते हैं, उनका आयोजन कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है विंटर्स गेम? इसका आयोजन होता है गुलमर्ग के अंदर। और इसका तीसरा संस्करण हुआ था, एडिशन हुआ था, वो भी गुलमर्ग के अंदर ही हुआ था। जम्मू कश्मीर में महत्वाकांक्षी पंचायत विकास के तहत पंचायतों की रैंकिंग जारी की जाती है। और इस कार्यक्रम को कराने के लिए एपीडीपी ये कार्यक्रम करवाती है, ठीक है ना। प्रमुख विकासात्मक मापदंडों पर इन ग्रामीण प्रशासनिक इकाइयों के प्रदर्शन को आकलन करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की ये एक पहल है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, जैसे ये जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी श्रीनगर। क्या हो जाएगी? श्रीनगर हो जाएगी। और श्रीनगर की बात करें तो कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये हैं श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हैं? झेलम नदी के किनारे हैं। और झेलम नदी के किनारे ये श्रीनगर हैं, या श्रीनगर के अंदर ही एक स्टेच्यू ऑफ पीस बनी हुई है। क्या है? स्टेच्यू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा बनी हुई है, ठीक है ना। श्रीनगर की स्थापना की बात करें तो किसने की थी? सम्राट अशोक के द्वारा की गई श्रीनगर की स्थापना, ठीक है। और अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे दिल्ली, अब दिल्ली की देख लेते हैं तो क्या है कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली देखो, एक मिनट आपको यहाँ से क्लीन कर देते हैं, आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। देखो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में जैसे नेहरू म्यूजियम है, नेहरू म्यूजियम उसका नामकरण चेंज कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया है, और उसको कर दिया है प्रधानमंत्री संग्रहालय। क्या कर दिया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया है। ओडिशा की बात करें, जो ओडिशा के वर्तमान में सीएम की बात करें तो कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक, ठीक है। और अमृत रैंकिंग जो जारी हुई है उसके अंदर ये ओडिशा फर्स्ट नंबर पे है। कर्नाटक के अंदर बात करें तो कर्नाटक के बेंगलोर के अंदर अभी हाल ही में कौन सा शो हुआ? एयर शो हुआ था, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किस भारतीय जोड़ी ने पहली बार इंडोनेशिया ओपन 2023 में सुपर 1000 का खिताब जीता है? तो सुपर 1000 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज और रैंकी रेड्डी और चिराग रेड्डी। किसने जीता है? सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग रेड्डी के द्वारा इंडोनेशिया ओपन 2023 का सुपर 1000 का खिताब जीत लिया है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि किस देश में सहमति से संबंध की उम्र 13 से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई है? तो किस देश में सहमति से संबंध बनाने की उम्र 13 से 16 वर्ष कर दी गई है? तो वो देश है जापान। क्या है? कौन सा देश है? जापान। और यदि जापान के अंदर अभी उसके जो शैक्षिक हेरिजमेंट है उसके अंदर जो रेप के केसेस हैं उसके अंदर बढ़ोतरी हुई थी, और उसके बढ़ोतरी के कारण उसकी उम्र 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 16 कर दी गई है। अब यदि 16 वर्ष की कोई भी किसी भी युक्ति के साथ यदि शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसकी सहमति होना जरूरी है। यदि सहमति नहीं है और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसको रेप के अंदर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए जापान के सेक्स क्राइम जो लॉ है जो उसके अंदर बड़ा बदलाव किया गया है, और यहाँ पर रेप की जो डेफिनेशन है उसको चेंज करके सहमति की उम्र बढ़ाने के लिए एक नया कानून पारित किया गया है। और नए कानून के मुताबिक ये बताया गया है कि बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाने को रेप माना जाएगा, ठीक है ना। और अब तक यहाँ सिर्फ जबरदस्ती संबंध बनाने को ही रेप के दायरे में लिया जाता था, और इसके अलावा कानूनी तौर पर सहमति की उम्र को भी अब 13 साल से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई है, ठीक है ना। अब चलते हैं ऑप्शन की बात करें तो देखिए जापान के अंदर यदि बात करें एक ज्वालामुखी है, सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी फ्यूजियामा। कहाँ पे है?
जापान की फ्यूजमा जापान के अंदर है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के अंदर अभी हाल ही में समर ओलंपिक 2024 कहाँ पे आयोजित हो गए, वो होंगे फ्रांस के अंदर। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अभी हाल ही में जो यूनेस्को की सूची से बाहर निकल गया था वो वापस यूनेस्को के अंदर शामिल होने वाला देश अमेरिका है, ठीक है ना। देखो चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर प्रथम एशिया की प्रथम बुलेट ट्रेन कहाँ पर चली, तो चाइना के अंदर चली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक ही महाद्वीप के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है, तो वो जीत लिया है हमारे भारत ने। किसने जीत लिया है, हमारे भारत ने जीत लिया है इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है ना। अब देखिए भारत 2023 के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल कप के विजेता बन चुके हैं और 18 जून को भारतीय पुरुष जो सीनियर फुटबॉल टीम है उसके अंदर वो कहाँ पे हुआ था, वो भुवनेश्वर के अंदर हुआ था। आप सभी को पता होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर कलिंगा स्टेडियम जो फुटबॉल के मामले में एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है, कलिंगा स्टेडियम ओडिशा भुवनेश्वर, ठीक है। कलिंगा स्टेडियम में फाइनल लेबनान के साथ खेला गया, 2-0 से हराया गया। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सक्रिय खिलाड़ियों में जो सुनील छेत्री हैं उसने तीसरे स्थान पर सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, और वहीं केवल पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो हैं और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं उनसे तो अभी हाल पीछे हैं। लेकिन भारत के अंदर सर्वाधिक गोल करने वाले कौन हैं, तो सुनील छेत्री, ये हैं हमारे यहाँ पर, आप देख सकते हो उनकी इमेज सुनील छेत्री को। और ये इंटरनेशनल कप का तीसरा संस्करण जो 9 से 18 जून 2023 तक आयोजित किया गया और इस टूर्नामेंट के अंदर 4 देशों ने ही हिस्सा लिया था, ठीक है। और इसे 2018 में नेहरू कप के प्रतिस्थापन के रूप में लॉन्च किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो किसे दिया गया, तो गांधी शांति पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया 2021 का, तो वो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर। किसे दिया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर को ये अवार्ड दिया गया है। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, ये 2021 का, अब वर्तमान में 2023 के अंदर दिया गया है। और 2021 का गांधी जो शांति पुरस्कार है वो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। और इस पुरस्कार की जो जूरी अध्यक्ष जो जूरी थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये पुरस्कार अहिंसक और अन्य जो गांधीवादी तरीके हैं उनके माध्यम से जो सामाजिक हैं आर्थिक हैं और राजनीतिक परिवर्तन के लिए ये गीता प्रेस ने उत्कृष्ट कार्य किया है, उत्कृष्ट योगदान दिया है। और गीता प्रेस की स्थापना की बात करें तो ये 1923 से शुरू की गई है, 1923 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और 14 भाषाओं के अंदर 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें क्या कर चुकी हैं, प्रकाशित कर चुकी हैं, और 16 करोड़ से अधिक श्रीमद् भागवत गीता का भी प्रकाशन कर चुकी है। गांधी शांति पुरस्कार ये एक वार्षिक पुरस्कार है और इसके अंदर 1995 में ये पुरस्कार की शुरुआत हुई है। गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो ये कब से, 1995 से, लेकिन जो गीता प्रेस गोरखपुर है उनकी शुरुआत 1923 के अंदर। और इस पुरस्कार के अंदर 1 करोड़ रुपये और एक प्रस्तुति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन देखो यह है बंगबंधु जो शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, ये कहाँ के हैं, तो ये हैं हमारे बांग्लादेश के, ठीक है ना, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है ना। अब गीतांजलि श्री हैं, तो गीतांजलि श्री को अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया था 2022 का, बुकर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अलग है और बुकर पुरस्कार अलग है, तो ये बुकर पुरस्कार दिया गया है गीतांजलि श्री को, ठीक है। और इसकी एक पुस्तक थी रेत की समाधि, टॉम ऑफ सैंड, जिसके लिए दिया गया। शिवशंकरी, और शिवशंकरी को अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया था 2022 का, सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी को दिया गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2023 का आयोजन कहाँ पे किया हुआ है, तो योग ओलंपियाड का जो 2023 का आयोजन हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया है और ये 9वें जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसके कार्यक्रम के पहले 21 जून को जबलपुर के अंदर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया है। और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। और यहाँ पे भोपाल के अंदर 3 दिवसीय जो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड है उसका उद्घाटन किया गया है। यदि राजधानी की बात करें तो जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली के बाहर आयोजित होने वाला ये पहला अंतर्राष्ट्रीय योग ओलंपियाड है, ठीक है।
और ये एनसीईआरटी 2000 जो एनसीईआरटी है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उनके द्वारा 2016 के अंदर शुरू किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान 2023 की थीम है मानवता, क्या है 2023 की थीम क्या है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड की मानवता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि अरब सागर में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड किस चक्रवाती तूफान ने बनाया है, तो वो हो जाएगा बिपरजॉय। क्या हो जाएगा बिपरजॉय, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिपरजॉय। बिपरजॉय इसका सही आंसर हो जाएगा अरब सागर के अंदर सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड चक्रवाती तूफान ने बनाया है। अब बात कर लेते हैं इसके नाम की, तो नाम के पीछे क्या लॉजिक है। अब इसका नामकरण किसने दिया था, तो वो दिया था बांग्लादेश ने। अब देखिए इसकी रिपोर्ट जारी करते हैं, रीजनल स्पेस जो स्पेसिफिक मेटेरियल है वो सेंटर है, इसके अंदर 13 देश हैं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो लगे हुए देश हैं, हिंद महासागर से लगे हुए देश हैं, वो 13 देश हैं। कितने देश हैं, 13 देश हैं। और वो क्रम वाइज से हर साल के अंदर 13 नाम उसके पहले ही अपलोड कर देते हैं। 13 एक देश 13 नाम अपलोड करता है और 13 देश है मतलब 169 नाम पहले ही अपलोड कर दिए जाते हैं। यदि वर्ष के अंदर 169 यदि तूफान आए तो उसका नामकरण पहले ही कर दिया जाता है। जिस प्रकार अभी 2023 का ये प्रथम चक्रवर्ती तूफान है उसका नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया बिपरजॉय। अब यदि भारत अब नाम आएगा, यदि तूफान की बात करें अरब सागर के अंदर आए या बंगाल की खाड़ी के अंदर आए, उसका नामकरण करेगा भारत और उसका नामकरण होगा तेज। क्या नाम होगा, अब तेज होने वाला है, ठीक है। अब ईरान की बात करें तो ईरान उसके बाद आने वाले तूफान का नाम ईरान रखेगा और उसका हम्मोन रखेगा। इस प्रकार से ये आपके पास सूची है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो जैसे देखो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट हैं उसके आधार पे जैसे बी आई आई एम एम ओ पी क्यू एस एस टी यू वाई, इस प्रकार से ये क्रम वाई इसका नामकरण किया जाता है और इसके अंदर ये इनके द्वारा रखा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे देखो अब क्वेश्चन तो समाप्त हो चुके हैं, आज के लिए बस इतने 8 क्वेश्चन ही है। अब हम कल के जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे उसको वापस वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर एक बार रिवीजन कर लेते हैं सुपर फास्ट। कि जून 2023 में रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रेडिकेटर MQ-9 रिपर ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है, तो वो है अमेरिका। कौन सा देश है, अमेरिका। केंद्र सरकार ने यूटी में स्थित जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम जो म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदला है, उसका नाम कर दिया, कहाँ पे है वो, दिल्ली के अंदर है। एशिया कप 2023 का आयोजन, एक मिनट में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए एशिया कप जो 2023 है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो वो किया गया है श्रीलंका और पाकिस्तान के अंदर। हाल ही में जो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 है वो किसने जीती है, तो वो जीती है मिस्र ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGC ने जून 2023 में शहीद हुए शांति सैनिकों के लिए स्मारक दीवार के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, किस देश ने रखा है, तो वो रखा है भारत के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने जो दक्षिण एशिया में पहली बार सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है वो कहाँ पे की है, तो वो की है बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2023 कब मनाया गया, तो वो मनाया गया 17 जून को। किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया गया, तो वो किया गया है ओडिशा के अंदर। ब्रिटेन में जेन मेरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो किया गया है पाकिस्तान के अंदर। अब जो मैंने कल क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था लास्ट क्लास का, कल का क्वेश्चन ऑफ द डे आज मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा कि हाल ही में सिप्री के अनुसार दुनिया के में सर्वाधिक परमाणु हथियार वाला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे और इसका सही आंसर मैं कल आपको वापस कल वाली क्लास के अंदर बताऊंगा। हाल ही में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात, तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। आज के लिए बस इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए जोश नए जुनून के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।